यह अग्नि सबका मित्र है, स्नेह पूर्वक सब हित करता है। इसी अग्नि रूप परमेश्वर जी ने द्यु और पृथ्वी लोक को अपने स्थान पर स्थिर किया है। वही ईश्वर सूर्य के रूप में सर्वत्र प्रकाशित होता है और अंधकार को दूर करता है। द्यु लोक और पृथ्वी लोक इस संसार की उसी तरह रक्षा करते हैं जिस तरह चमड़ी शरीर की रक्षा करती है। यह अग्नि विद्युत के रूप में अंतरिक्ष में रहती है। इस विद्युत की महिमा को ज्ञानियों ने जाना, तब मनुष्यों ने अग्नि रूप इस विद्युत के महत्व को जानकर इसकी स्तुति की। वही अग्नि सूर्य के रूप में द्युलोक में प्रतिष्ठित है। हे अग्नि, सदा सर्वदा तेरी स्तुति करने वाले स्तोताओं को धन और यशस्वी पुत्र दे। हे सदा तरुण और तेजस्वी रहने वाले अग्नि, वज्र के आघात से जैसे वृक्ष टूट कर गिरता है, उसी तरह अपने तेज से तू अपने शत्रु को नीचे गिरा। हमारे देश में जो धनी हो उनमें वीरता युक्त बल रहे, उनके अंदर इतनी शक्ति हो कि वे अपने धन की सम्यक प्रकार से सुरक्षा कर सके। विश्व का हित करने वाले आघरणी से संरक्षण करने वाली शक्ति प्राप्त करें। यह अग्नि अग्नि के रूप से पृथ्वी पर, विद्युत के रूप में अंतरिक्ष में और सूर्य के रूप में द्युलोक में स्थित है। इसी तरह आघरणी भी अपने राष्ट्र के निम्न मध्यम और उच्च स्तर के लोकों में गति करे, अर्थात सभी तरह के लोकों में इसकी पहुंच हो। उन सभी की अपनी शक्तियों से रक्षा करे। राष्ट्र में जो दानी हो उनकी भी रक्षा कर। इस प्रकार राष्ट्र में विद्वान निर्भय हो, दाताओं का संधिक बल बढ़े और उनका उत्कर्ष हो। काले रंग वाली रात्रि और श्वेत रंग वाला दिन, ये दोनों अपने अपने रंगों से सब जगत को रंगते हुए अपने नियत योजना से बारंबार इस जगत में संचार करते हैं। विश्व का हित करने वाला अग्नि उत्पन्न होते ही राजा के समान शक्ति से बढ़ता है और बढ़कर अपने तेज से सब प्रकार के अंधकारों का नाश करता है। मैं कपड़े के सीधे धागे को नहीं जानता और तिरछे धागे को भी नहीं जानता, तथा स्पर्धा में सतत घूमकर जो वस्त्र बुनते हैं उनको भी नहीं जानता। भला किसका पुत्र यहाँ श्रेष्ठ होकर अपने पिता से मिलकर इस संबंध के योग्य वक्तव्यों को बोल सकता है। यह मंत्र जीवन का अलंकारिक वर्णन करता है। जन्म से मृत्यु तक का जो काल है वह एक अखंड वस्त्र है। उसमें सीधे और तिरछे ऐसे तंतु रहते हैं। जीवन एक समर युद्ध है। इसमें विजयार्थ यतन करने वाले लोग इस वस्त्र को बुन रहे हैं। किसका पुत्र किस पिता से मिलकर इस विषय में सच्चा ज्ञान कह सकता है? दीर्घ जीवन कितना है? बीच के काल विभाग कैसे आते जाते हैं यह किसी को पता नहीं है। इस जीवन समर में विजय के लिए युद्ध का प्रयत्न करने वाले अपने प्रयत्न से यह वस्त्र बुन रहे हैं। यहाँ कौन ऐसा है कि जो पुत्र अपने पिता से मिलकर इस वस्त्र का ठीक ठीक वर्णन कर सकेगा? अर्थात सर्वसाधारण जनों में कोई यह नहीं कह सकता। वह वैशानर अग्नि निस्संदेह सीधे धागे को जानता है और वही तिरछे धागे को भी जानता है। वही ऋतु के अनुसार करने योग्य कर्मों में जो कहना चाहिए उसको कहता है। वह अमृत का संरक्षक भूलोक में अग्नि रूप से संचार करता है और दूर आकाश में रहकर सूर्य रूप से सबका निरीक्षण करता है और सबको जानता भी है। ये वैशानर सब विश्व का संचालक अग्नि रूप से रहने वाला परमात्मा पहला याजक है। हे मनुष्यों, तुम इसको देखो, मृत प्राणियों में वह अमर ज्योति है। यह सब में शाश्वत रूप से रहता और सबको व्यापता है। यह अमर है,
यह शरीर के साथ उत्पन्न होकर बढ़ता जाता है। यह अग्नि रूप के वर्णन से आत्मा का वर्णन किया है। अखंड आयुध्य का वस्त्र है और दिन रात्रि के धागे इसमें बुने जा रहे हैं। स्थिर रहने वाला मन भी अत्यंत वेगवान और तेजह स्वरूप है। इसे सब जंगम प्राणियों में आनंद अनुभव करने के लिए स्थापित किया है। सब देव एक मन और एक प्रजा के साथ इसी एक मुख्य कर्मकर्ता की सब प्रकार से सेवा करते हैं। एक मन की सेवा चक्षु आदि सब इंद्रियां करती हैं। यह मन यहाँ मुख्य है। उस अंदर की ज्योति के विषय में सुनने के लिए मेरे कान दौड़ रहे हैं और मेरे चक्षु भी उसी को देखना चाहते हैं। वह ज्योति हृदय में है, जो यहाँ यह बुद्धि रूप तत्व है, वह भी उसी की खोज में घूम रहा है। दूर दूर के विषयों का ध्यान करने वाला मेरा मन तो सतत दौड़ रहा है। अब मैं अधिक क्या कहूँ और अधिक किसका विचार करूँ। हे विषानर अग्नि, अंधकार में रहने वाले तुझको सब देव नमन करते हैं। वे अंधकार से डरते हैं। यह अमर विषानर अग्नि हमारी रक्षा करे। सब में जो नर रूप से रहता है वह विषानर है। यह विश्व का नेता है। अंधकार में रहने वाले देव इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां इस नेता आत्मा को नमन करती हैं। इससे इनका भय दूर होता है। यही सबको निर्भय करने वाला है। इस सूक्त के अंतिम दो मंत्रों ने इस सूक्त को अधिक स्पष्ट किया है। यह विषानर आत्मा है। मन और इंद्रियां उसकी सेवा करने वाली हैं। दिन रात्रि से धागे हैं और आयुध्य रूप वस्त्र बनाया जा रहा है। हे मनुष्यों, तुम सब मिलकर आनंददायक दिव्य निर्दोष अग्नि को हिंसा रहित यज्ञ कर्म का प्रारंभ होते ही अपने सन्मुख स्थापित करो। स्तोत्रों से उसकी स्तुति करके उसको बढ़ाओ। वह ज्ञान प्रसारक तेजस्वी अग्नि हमारे यज्ञों को सफल कर सकता है। मनुष्य तेजस्वी बने, बहुत वीरों को अपने साथ रखे, बंधुओं को अपने पास बुलावे, अन्य नेताओं के साथ रहे और प्रकाशित हो जाए। बल बढ़ाने वाला शुद्ध पवित्र भाषण करे, ममता से लोगों में पवित्रता निर्माण करे, मनुष्यों में अधिक यश प्राप्त करके मनुष्य अपनी उन्नति का साधन करे। जो ज्ञानी उत्तम पवित्र भाषण के साथ दान देता है, उसको तेजस्वी नेता उत्तम संरक्षणों के साथ गऊओं के बाड़े आदि धन देता है। अर्थात दान देने वाले को धन मिलता है। काले अंधकार के मार्ग से जाकर वहां प्रकाश करने वाला वीर अपने प्रकाश से विस्तीर्ण क्षेत्र को भर देता है। पवित्रता करने वाला नेता रात्रि के अंधकार को दूर करता है, सर्वत्र प्रकाश करता है। धनवानों को बहुत धन मिले और बहुत संरक्षण भी प्राप्त हो। जो सिद्धि यश और पराक्रमों से अति श्रेष्ठ बने हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हम बने। मनुष्य यज्ञ करने की इच्छा करे, अग्नि को धारण करे, यज्ञशाला में बैठकर हवन करे, अन्न धन की प्राप्ति करने का यतन जो करते हैं उनका संरक्षण हो, जो अन्न का दान करते हैं उनकी प्रशंसा हो। मनुष्य शत्रुओं का नाश करे, अन्न को बहुत उत्पन्न करे और 100 वर्ष तक पुत्र पुत्रों के साथ आनंद से रहे। हे देवों को बुलाने वाले तेजस्वी देव, यज्ञ करने वाला तू हमारे द्वारा स्तुत होकर तू मरुतों को संगठित कर तथा मित्र वरुण आदि सभी देवों को हमारे यज्ञ में बुला कर ला। अग्रणी नेता भी वीर क्षत्रियों को संगठित करे तथा राष्ट्र संगठन जैसे पवित्र कार्य में देवो विद्वानों की भरपूर सहायता ले। यह अग्नि यज्ञ में देवों को बुलाकर लाने वाला है। वह अत्यंत आनंद देने वाला मनुष्य का द्रोह रहित मित्र और उत्तम गुणों से युक्त है। ज्वाला रूपी मुख
द्वारा हव्य भक्षण करने वाला यह अग्नि अपने शरीर का भी पोषण करता है। अग्रणी भी राष्ट्र संगठन रूप यज्ञ के कार्य में विद्वानों की सहायता लेने वाला हो। वह सबके साथ द्रोह रहित मित्रता पूर्ण व्यवहार करे और उत्तम गुणों से युक्त हो। वह तेजस्वी होकर राष्ट्र में सभी प्रजा के पोषण की व्यवस्था करे, साथ ही अपने शरीर को भी पुष्ट और स्वस्थ बनाए। जब अंगिरस अर्थात ज्ञानियों में श्रेष्ठ और स्तुति करने में प्रवीण विद्वान यज्ञ में मधुर छंदों का गान करता है, तब देवों का यज्ञ करने के लिए बुद्धि इस अग्नि की कामना करती है। यह बुद्धिमान और दीप्तिमान अग्नि विशेष रूप से प्रकाशित होता है। हे अग्नि, तू विस्तीर्ण द्यु और पृथ्वी लोक को पुष्ट करता है। सभी तरह के मनुष्य इस अग्नि को इस प्रकार सम्मान पूर्वक तृप्त करते हैं कि जैसे कोई विद्वान अतिथि का सत्कार करके उसे तृप्त करता है। इस अग्नि के लिए प्रथम वेदी रची जाती है, फिर उत्तम भी दोष रहित सुच्चा आदि यज्ञ के साधन तैयार किए जाते हैं, फिर अग्नि में घृत आदि पदार्थों की आहुतियां डाली जाती हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से आँखों की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह यज्ञकर्ता के उद्योग से यज्ञ की वृद्धि होती है। अग्रणी अपने पास पर्याप्त संरक्षण दल रखें, दिव्य विभूतियों के साथ प्रकाशित होता रहे, अनुयायियों को धन देने, अनुयायियों में बल बढ़ाने की प्रेरणा करे, प्रभु की सेवा करे, शत्रु को तथा पाप को दूर करे। यह अग्नि यज्ञ में देवों को बुलाकर लाने वाला होने के कारण यज्ञ का राजा अथवा यज्ञ का पालक है। यह अग्नि यज्ञकर्ता के घर में बैठकर द्यु और पृथ्वी लोक को पुष्ट करता है। वह बल का प्रेरक है। जब वह अग्नि शरीर में बढ़ता है, तब शरीर में शक्ति भी बढ़ती है, इसीलिए इसे बल का प्रेरक कहा गया है। यह यज्ञ अग्नि दूर से ही अपने प्रकाश को सूर्य के समान विस्तृत करता है और सारे जगत को प्रकाशित करता है। यज्ञ में याजक प्रदीप्त अग्नि में यजन करता है। तीनों लोकों में सूर्य का प्रकाश जाता है और वहां वह सूर्य सर्वत्र पवित्रता करके प्राणियों का रोगों से तारण करता है। उस तरह यज्ञ में किए हवनों का प्रभाव तीनों लोकों में हो और वहां पवित्रता हो। अग्नि की ज्वाला बढ़ाने पर वन में शोभती है, उसके और बढ़ जाने पर सूर्य की तरह वह अपनी जाने के मार्ग में भी प्रकाशने लगता है। द्रोह न करने वाले के समान यह अमर अग्नि किसी से रोका नहीं जाता और अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है। यह ज्ञानी अग्रणी मार्ग पर से जाने वाले गायक के गाने के समान हमारे उत्तम स्तोत्रों के गायन से प्रशंसित होता है। वृक्षों को जलाने वाला अपनी गति से जाने वाले घोड़े के समान गतिमान, वस्तुओं के पिता बैलक समान तरुण अग्रणी याजगों द्वारा प्रशंसित होता है। लोग अग्नि की ज्वालाओं का वर्णन करते हैं, यह पृथ्वी के ऊपर के वनों को जलाता हुआ चलता है। यह अग्नि स्वयं गतिमान है, परंतु बंधन से मुक्त होने के कारण इसका वेग अधिक होता है और यह दौड़ने वाले चोर की तरह भूमि पर चलता हुआ प्रकाशता है। मानव निंदा से अपनी रक्षा करे, धनों का दान करे, दुष्ट शत्रु से अपनी रक्षा करे, उत्तम वीर पुत्र पोत्रों से युक्त होकर 100 वर्ष तक आनंद में रहे। हे भाग्यवान अग्नि, सब भाग्य जिस तरह वृक्ष से शाखाएं निकलती हैं, उसी तरह तुझसे प्राप्त होते हैं। सब धन शत्रु से संरक्षण करने वाला बल, आकाश से होने वाली वृष्टि, यह सब तुझसे ही होता है। तू इस कारण प्रशंसनीय है, अतः तू पानी हमारे पास भेज, वृक्ष से शाखाएं
सहज ही से निकलती हैं। वैसे सब भाग्य आघरणी से मिलते हैं, सब धन उससे मिलते हैं, युद्ध में विजय देने वाले बल उसी से मिलते हैं। हे अग्नय, तू हमें उत्तम रतन दे, तू दर्शनीय और तेजस्वी है, तू वायु की तरह सबका अधिकार चलाता है, मित्र के समान सत्य का प्रवर्तक है, अब तू हमें उत्तम संपत्ति देने वाला हो। राजा सत्य का संरक्षण करे और अपने बल से शत्रु का नाश करे, ज्ञानी राजा दुष्ट व्यापारियों से धन छीन ले, वह लोगों का बल बढ़ावे जिससे वे अपने बल से शत्रु का नाश कर दें। जो मनुष्य इस अग्नि के तीक्ष्ण सामर्थ्य को यज्ञ के द्वारा प्राप्त करता है, वह सब धन धान्यों को प्राप्त करता है और बहुत से ऐश्वर्य से युक्त होता है। हे आघरणी, अपने उत्तम वीरों से युक्त होकर तू शत्रुओं का प्रभाव कर और उनके अन्न का हरण करके पोषण के लिए हमें दे। इससे पूर्व तूने जो पशु और अन्न हमसे द्वेष करने वाले तथा क्रूर शत्रुओं को दिया है, उसे भी उनसे छीन कर हमें दे। हे अग्नय, तू हमें हितकारक उपदेश कर, धन धान्य से समृद्ध पुत्र पोत्र हमें प्राप्त हो, हमारी कामनाओं की पूर्ति होती रहे, उत्तम वीर संतानों से युक्त होकर हम 100 वर्ष तक आनंद से रहें। जो मनुष्य आघरणी बुद्धि पूर्वक सेवा करता है, वह शीघ्र ही प्रमुख स्थान पर विराजमान होता है और अपनी सुरक्षा के साथ पर्याप्त अन्न प्राप्त करता है। अग्नि आघरणी उत्तम ज्ञानी और कर्म में कुशल दृष्टा ऋषि है। मानवी प्रजाजन इस अग्नि की यज्ञ में स्तुति गाते हैं। शत्रु के धन शत्रु से पृथक होते हैं और हमारे पास आने की तवरा करते हैं। वे धन हमारा संरक्षण भी करते हैं। मनुष्य शत्रु का नाश करने के लिए और विरोधियों का प्रभाव करने के लिए यज्ञ आदि कर्म करते हैं। पुत्र ऐसा होना चाहिए कि जो कर्म करने में प्रवीण हो, शत्रुओं का प्रभाव करने वाला हो, सज्जनों का उत्तम पालन करने वाला हो और जिसको देखने से ही उसके बल से शत्रु भयभीत होकर कांपने लगते हो। बलवान अग्निदेव अपने अद्भुत ज्ञान से अपने भक्त का संरक्षण निंदा करने वाले शत्रु से करता है तथा उसका धन युद्धों के समय भी सुरक्षित रहता है। कोई उस धन को उससे पृथक कर नहीं सकता। मित्र का महत्व बढ़ाना चाहिए। नेता अपने मित्रों का महत्व बढ़ाए। सब ज्ञानियों के पास हमारी उत्तम बुद्धि से प्रकट किया हुआ शुभ संदेश पहुंच जाए। दिव्य नेताओं को रहने के लिए उत्तम स्थान मिले और उनका कल्याण हो। शत्रुओं से पापों से और कष्टों से सब प्रजा का बचाव हो। ऐसी व्यवस्था हो कि हम निस्संदेह सुरक्षित रहें। उत्तम संरक्षण से हम सुरक्षित हों। यह अग्नि अतिथि के समान पूज्य है। उषह काल में प्रज्वलित होने वाला है। सब प्रजाओं का पालन करने वाला है। यह जन्म से ही पवित्र है। द्यु और पृथ्वी के बीच में रहकर जो हवि इसे दी जाती है वही सदा जाता है। ऐसे अग्नि ही की सदा उपासना करनी चाहिए। अरण्यों में रहने वाले प्रशंसा योग्य उधर्व गतिवान के मित्रवत पूज्य अग्नि को भृगु ऋषि स्थापना करते हैं। हे अग्नय, तू ऋषि पर प्रसन्न हो। वह ऋषि प्रतिदिन स्तोत्रों से तेरी महिमा का वर्णन करता है। यह अग्नि स्वयं क्रूरता रहित होकर चतुर मनुष्य का संरक्षण करने वाला है तथा जो भारद्वाज अर्थात अन्न के द्वारा दूसरों का पोषण करता है अथवा जो दूसरों को बलवान बनाकर उनकी रक्षा करता है, उसी तरह मनुष्य स्वयं भी क्रूरता रहित होकर दूसरे मनुष्यों की रक्षा करे, उनका पोषण करे तथा दूसरों को बलवान बनाकर उनकी रक्षा करे। हे मनुष्यों, तुम उत्तम स्तुति द्वारा हव्य को ले जाने वाले दिव्य गुण युक्त
दिव्यमान अतिथि के समान पूज्य, स्वर्ग को जाने वाले, मनुष्यों के यज्ञ में देवों को बुलाकर लाने वाले, विद्वान की तरह तेजस्वी आघरणी को प्रसन्न करो। जैसी उषा अपने प्रकाश से प्रकाशती है, जैसे शत्रु से युद्ध करने के समय शत्रु पर विनाशक प्रहार करने वाला वीर तेजस्वी दिखता है, वैसे ही वह अग्नि पवित्र ज्ञान देने वाले तेज से इस पृथ्वी पर प्रकाशता है। हे मनुष्यों, तुम अत्यंत प्रिय अतिथि के समान पूज्य और स्तुति के योग्य अग्नि की समीधा से सेवा करो। वह अग्नि मरण रहित अर्थात अमर तत्व है। तुम इसी अग्नि की सेवा करके धन ऐश्वर्य प्राप्त करो, क्योंकि यही वर्णनीय धन को अपने पास रखता है।